कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक है, पक्की बात है, सोच ले। आज का हमारा प्लान बन रहा है कि हम ना आयशा का रूम जो है ना इसको कुछ हद तक जो है ना सेट करने की कोशिश करें, लेकिन पहले हम लोग करेंगे नाश्ता। ठीक होंगे। कुछ लोगों का ना काफी ज्यादा मसला आ रहा था, कमेंट्स भी काफी आ रहे थे कि अली भाई हमें ना आयशा का जो चैनल है ना वो नहीं मिल रहा, हम लोग सर्च करते हैं रेनबो लिख के तो आयशा का चैनल नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो हमने इसके चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज करके कर दिया लिटिल रेनबो। अभी आप लोग एक काम करें, सारे काम छोड़े, वीडियो हमारी थोड़ी सी घुमाएं, ऐसे मोबाइल को रोटेट करें और अभी सर्च करें, सर्च करके बताएं कि आप लोगों को लिटिल रेनबो आप लोगों ने सर्च करना है। अब आपको आ रहा है कि नहीं, हम लोग कुछ 5 सेकंड वेट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप लोगों को मिल गया चैनल तो यस आप लोगों ने लिख देना कि अली भाई जी हमें चैनल मिल गया आयशा का, सच में आ रहा है जी, बिल्कुल ऊपर आ रही है। हमने तो अपने 3-4 मोबाइल पे सर्च करके देखे, हमें तो फौरन ऊपर मिल गया। अभी आप लोग यस करना कि हां जी आ गया। और अगर आयशा का चैनल खोल ही लिया है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। और स्पेशल आप लोगों के बच्चों के लिए चैनल बनाया, आप लोगों ने अपने बच्चों को जरूर दिखानी है आयशा की वीडियोस, बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस होती है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि अभी टॉयज के साथ खेला जा रहा है, अपने सारी सेल लगाई हुई है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कलेक्शन अभी पड़ी हुई है जो इसको भी नहीं पता और अक्सा को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं याद कि कौन कौन सी कलेक्शन पड़ी हुई है। अभी की बात मैं बताता हूँ, आप लोगों ने भी कमेंट करके बताना है। अभी जो आपने लास्ट अक्षा का सलाम वाला क्लिप देखा है उसमें अगर आप लोगों को लगा है ना कि अक्षा का मुंह ऐसे सूजा सूजा है तो आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है। मतलब कि अभी भी इसको देखे ना, इसकी आंखें, मुंह, और ये पता है क्यों है, ये सूजा क्यों पड़ा है? ऐसा नहीं कि मुंह मोटा हुआ, ये इसलिए सूजा हुआ है कि 2 दिन से चावल खा रहे हैं बिरयानी रात को, और ये वाला सीन बन गया। मैं तो नहीं खा रहा, इसने अपने लिए संभाल के रखी हुई है। और 2 दिन से वही खा रही हूँ मैं। मैंने आज इसको देखा है, काफी दिनों बाद इसका मुंह इस तरह हुआ। पहले एक दफा चावल खा ले तो नहीं होता, ये ना 2 दिन से रात को मतलब खा लेती है बिरयानी, वैसे टेस्ट करने के लिए पड़ी हुई है, चलो खा लेती हूँ बिरयानी, तो ये सीन इसके साथ बन गया है। मामा से पूछो आपका मुंह क्यों फूल गया, पूछो मामा से। बलून बन गया, पूछो क्यों बलून बन गया, किधर है बलून बताओ किधर है। ये देखो ये लग रहा है ना बलून, मुंह लग रहा है। आपको मिर्च लगी थी, दोनों जो बैठ के बिरयानी खा रही होती तो मिर्चा तो लगनी है। फिर अक्सर ना बस अभी आयशा के कपड़े वगैरह चेंज कर रही है, फिर अक्सर आके नाश्ता बनाएगी और उसके बाद हमने जाना एक बाहर काम, तो आप लोगों को भी साथ ही लेके चलेंगे, लेकिन पहले करेंगे नाश्ता। जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, नाश्ता बनाए, बहुत भूख लगी पड़ी है मुझे तो। दिल तो मेरा ये है कि आज मैं कोशिश ये करता हूँ कि चूल्हा अगर अभी ठंडा हो जाता है ना अक्सर, तो हमने बाहर जाना ही, उसी साइड पे जा रहा हूँ मैं, चूल्हे को भी साथ ले जाऊँ, इसका भी करवा लूँ। हाँ क्योंकि नाश्ता करने हमारे ठंडा हो जाएगा। अब देखें ना कितनी ज्यादा देश की काली हो रही है, तो उतना ये तो बल्कि नुकसान ही हो रहा है सारा। अक्सर ने दोस्त कॉस्प्रेट रखे, काला और एक दूसरा। बरन जी हमारा नाश्ता जो है वो भी तकरीबन रेडी हो गया, और अक्सर कह रही ब्रेड खत्म हो गया, ये भी याद रखना, अभी बाहर चलते हैं जाके ब्रेड वगैरह भी ले आते हैं सारे। अंडे 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 तो मैं लाया हूँ, अंडे हम खा रहे हैं। आपको कोई चीज याद नहीं रहती, ना ब्रेड याद करवाती है ना अंडे याद करवाती है, क्या मसला आपका है? कहाँ से? और मेरा दिल कर रहा है अंदर से लाइट और फैन वगैरह सारा कुछ बंद करके ना अब्दुल्ला को भी बाहर ले जाते हैं और बाहर ही बैठ के नाश्ता करते हैं। इसको मैं बाहर ही ले आया हूँ, ठीक है? आप भी इधर ही बाहर, इधर शीट लगा लेना, इधर नाश्ता कर लेते हैं। बाहर यहाँ पे आयशा ने अपनी सेटिंग की है, ये साइकिल खड़ा हुआ है पिंक कलर का, वो ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है। मेकअप किया आज के नहीं किया उसके, कब की है कोई नजर नहीं आ रहा मुझे तो। अभी तक आप लोगों ने आयशा का चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फर्स्ट के ऊपर लिंक है, अभी जाएं जाके सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करना। बस इतनी मेहनत चल रही है, सही बात है, उस आयशा की वीडियो पे ना तकरीबन 12 घंटे लगते हैं एडिट करने में, सर मैं दोनों एडिट करते हैं, और वीडियो बनाने के 2-3 घंटे वक्रे, सोच के बनानी पड़ती है, सारी एडिट करनी पड़ती है, सही बात, बहुत मुश्किल है वो, इतना टाइम उसमें लगता है। तो आप लोगों के लिए बनाए, आप लोगों के बच्चों के लिए, आप लोगों ने अपने बच्चों को जरूर सब्सक्राइब करके देना, उनको कहना की ये देखें आप लोग। जब से हम लोग इस घर में आए ना अभी तक बारिश वगैरह कोई नहीं हुई, जिस दिन बारिश हुई ना यहाँ से सीन जो होगा ना बड़ा ही मजे का होगा। आज अपने लिए नहीं ब्रेड किए दोनों ने? ना मैंने मैंने का अपनी रूटीन पे वापस। और ये और ब्रेड जो आने वाले हैं। अच्छा मेरे से ले लेना आप, ठीक है? हाँ मेरे से ले लेना मेरा बच्चा। मुझे ये बताओ ड्रेसिंग टेबल पे बैठ के ब्रेड कौन खाता है, पहले ये तो मुझे पता चले, हैं कौन खाता है? आप खाती हो? क्यों, कैसा लग रहा है ड्रेसिंग टेबल आपको? सही मेकअप शेकअप हो रहा है इसके ऊपर, हर चीज हो रही है, मेकअप नहीं पड़ा हुआ? मैं अपने बच्चे को मेकअप भी लेके देता हूँ, वो भी मैं किट लेके दूंगा मेकअप वाली। अक्सर यहाँ पे खुशबू आ रही है, जिस तरह मुझे आवाज आई है मैंने सोचा मैं भी जाके खुशबू डालूं। ये पकड़े बेगम, ये भी हमारा परफ्यूम एंड पे आ गया हुआ है, लेकिन जो भी परफ्यूम है ना, ये वाला जो परफ्यूम है ना, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। अगर मुझे दोबारा इसके साथ का मिल गया ना तो मैंने इस बार यही लेके आना है। ये तो हमने अलीपुर से लिया था, वहाँ पे वो वाला ऑप्शन था नहीं, लेकिन अब जब परफ्यूम लेंगे मैंने उसके साथ का दोबारा लेके आना। आजकल तो गाड़ी की चाबी याद ही नहीं होती, पता नहीं किस जगह पड़ी, वैसे मुझे याद है मैंने इधर रखी थी, ये पड़ी हमारी गाड़ी की चाबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सुबह का सलाम किया है, व्लॉग बनाया है सुबह का, आए हो व्लॉग में अभी तक? बताओ मुझे, थोड़ी थोड़ी सी नेक हमें अपनी संभालनी आ गई हुई है ना, हमने बढ़ा
ये एक 5-6 सेकंड हम अपनी नेक संभाल लेते हैं। सब बोली जा रही है आंटी मैं बड़ा हो गया, और मैं भी सही बात है अंदर इतना खोया हूँ कि मेरे दिमाग में है ही नहीं कि अक्सा बोल रही है, मैं यही समझ रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये लग रहा लगूंगा बोल रहा है, मैं अपने दिमाग में यही सोची बैठा हुआ। और इधर जी बहुत शदीद किस्म की हमें कुछ ही हो रही है। हमारी ना एक नीचे वाले पोर्शन में एलईडी ट्रॉली पड़ी है, लेकिन वो जो उनसे मजदूर थे वो कहते हैं आपकी हमारे साथ बात ही नहीं हुई इसकी, उन्होंने उठाई कोई नहीं। अब जब उनके आएंगे ना उठाने के लिए, फिर उस टाइम चलो उनको कह दूंगा, कहूंगा पैसे एक्स्ट्रा लेने ऊपर आ। हमारी काम वाली भी एक दिन आई है, उसके बाद आई कोई नहीं, पता नहीं क्या हुआ। हालांकि पैसे पूछे सारा कुछ डिसाइड हो गया था, हर चीज फाइनल हो गई थी। अक्सा अंदर बैठने के लिए आई और मुझे खुद नहीं याद कि मैंने ये सामान किस टाइम सारा इस तरह जो है ना खोल के रखा पड़ा है। एक मिनट बस ठहर जाए, वेट कर लें। जिस दिन की शिफ्टिंग की है ना, बस हम लोग सामान वगैरह सेट करने में लगे हैं, गाड़ी के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज मैंने इंशाल्लाह टाइम निकाल के ना गाड़ी को बिल्कुल वॉश करवा के आना है। इनको को घर उतारूंगा ना, फिर जाऊंगा वॉश करवाने, ठीक है ना। आप लोगों को वापस घर उतार के ना फिर मैं वॉश करवाने जाऊंगा। और पीछे सिर्फ इतनी सी स्पेस होती है, मैं हल्की सी स्पेस यहाँ से छोड़ देता हूँ, गाड़ी के साथ भी ना टच हो दरवाजा, और हल्की सी स्पेस मैंने आगे छोड़ी होती है कि यहाँ से गुजरना होना तो इजीली बंदा गुजर सके। और ये पता नहीं काटने वाली है ये वैसी साथी है, आप लोगों ने कॉमेंट्स करके बताना है काट दी इतनी काट दी। घर से निकल के पता चला ये सामने अभी साथ पेट्रोल पंप भी आने वाला है, सारी सारी चीजें बिल्कुल पास, बैंक बिल्कुल पास, आपके हर चीज तो पास हो गई है, पार्क भी बिल्कुल पास है। जाना चले पार्क है, चले हाँ जी आपने जाना है पार्क है छोटू, पार्क जाना है आपने। मामा का दुपट्टा खाई जा रहा है और कह रहा है मुझे कोई छेड़े ना, मैंने पकड़ लिया हाँ जी। लेकिन आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो अब्दुल्ला से पूछा था, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं है, हमने नहीं पार्क जाना। अच्छा आप लोग घर छोड़ के ना मैंने इसी पेट्रोल पंप पे आना और गाड़ी वॉश करवा के जानी है अपनी। शुक्र है कोई स्क्रीन साफ कर रहे हैं, तो जितनी भी मैंने पीछे वीडियो के बनाई है ना सारी में स्क्रीन गंदी गंदी आ रही थी, लेकिन मैं इंशाल्लाह आज वॉश करवानी है गाड़ी है, तो चलो साफ कर ही दी है ना एक बार। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बाहर से समोसे लेंगे, फिर डिब्बे ले लेंगे, ये शॉपर ले लेंगे, उसमें पैक करेंगे, लेकिन इनका ये कि यहाँ से समोसे दो दो करवा लें फॉर एग्जांपल बॉक्स में पैक हो जाएंगे। अब मैं देखता हूँ ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, अगर वेट करना पड़ा तो कर लेंगे यहाँ पे बैठ के। वेट छोड़ दो समोसे पे कॉन्सेंट्रेट करो, जो समोसे लेने आई हो यहाँ पे। क्या खाने का दिल कर रहा है मुझे बताओ, चॉकलेट ले दूँ? इधर देखो चॉकलेट ले दूँ, कोकोमो चाहिए चॉकलेट ले दो, ठीक है यार। हमें चाहिए 150 समोसे, ठीक है, इनके पास सिर्फ 30 पड़े हुए हैं। कहते हैं एक दिन पहले आप बता देते तो फिर चले हम इतने अरेंज कर लेते पहले समोसे। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने पुराने वाले घर वाली साइड पे, ठीक है, और आयशा को लग रहा है पता नहीं हम उसी घर में जाने लग पड़े, वो गांव है ना, यहाँ पे हमेशा एक काम था, वो नहीं जा रहे उतर लग रहा है पता नहीं मुझे ना उस घर में वापस। अब आप इसकी जरा चेक करें कि मतलब कितना इसको नए घर से, नहीं नए घर से कितना प्यार हुआ है, और रास्ता भी याद है। ये भी बात ठीक है कि रास्ता याद है इसको, बरल जी आयशा को नया घर बहुत ज्यादा पसंद आया पड़ा, वो तो आप लोग नहीं नहीं नए घर में जाएंगे, इधर नहीं जा रहे, ये पुराने में नहीं जा रहे, नहीं जा रहे ना, टेंशन लो। घर के लिए शॉपर चाहिए थे, मैं कल भी यहाँ से पता किया था तो नहीं मिले, आज भी शॉपर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये पड़े हुए लेकिन ये बहुत बड़े साइज में है। और आपके लिए कोकोमो लेना है और एक दूध का पैकेट लेना है, आज वो कोकोमो देख लो कौन से वाला खाना है। ये हो गया जी आयशा का, एक एक चाहिए दो पैकेट चाहिए आयशा के, आज दो कोकोमो ले लेते हैं, ठीक है। ये आयशा कोकोमो हो गया, एक मामा का और एक आपका, ठीक है, और ये हमारा दूध का पैकेट हो गया, ये लो जी। और आपकी मामा ने कहे हैं कि एग ले के आने, आपने रखो ऐसा, आपने रखो इसको, आपने जोर से रख दिया ना सारा काम खराब हो जाए। और यहाँ से हमें एक मिल्की ब्रेड चाहिए, ये लो रख दो ख्याल से। आते हुए भी हम लोग अपने समोसे वगैरह लेके आए हैं, और बाकी जो समोसों का है ना मैंने उनको ऑर्डर दे दिया हुआ है, वो कल मिल जाएंगे जितने भी चाहिए, ठीक है ना। अपने लिए मैंने लिए सिर्फ दो समोसे, क्योंकि समोसों का साइज जो ना काफी बड़ा, जलाल के समोसे इनके होते हैं, समोसे अंदर से सही भरे हुए हैं, पता रमजान में मैं समोसे लेके आया था, 4 खाली निकल आए थे, बस 2 खाली निकले थे, क्या सीन था, वो इनके नहीं थे, इनके नहीं बात कर रहा, और साथ बिल्कुल फ्रेश चटनी मिली है, देखे ना कितनी जबरदस्त चटनी है। और ये कुछ ग्रीन चिली वगैरह चाहिए थी, ये भी आ गई है, और मिर्च चाहिए थी, ये मिर्चें भी आ गई है, छोटा पैकेट ही लिया मैंने, ठीक है। और ये आगे कचरे वाले शॉपर भी खत्म हो गए। अब हम लाइट्स ऑफ करके बाहर की जितनी भी एक्स्ट्रा चल रही हैं फिर अंदर जाएंगे और जाके समोसे एंजॉय करेंगे। जी 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 मेरा बच्चा टॉयज के साथ खेल रहा है, ड्रेसिंग टेबल उठा के अंदर ले गया और इधर सारा कुछ सेट कर लिया, मेरे ख्याल से इधर बैठ के मेकअप होने लगा हमारा। ऐसे ही हाँ
आपने भी समोसे खाने हैं, समोसे खाने हैं अब्दुल्ला ने, खाने हैं समोसे। अभी हम लोग बाहर से वापस आए घर, पता नहीं गाड़ी में एसी ऑन करके बैठे थे इसलिए एकदम गर्मी रहने लग पड़ी, लेकिन अभी आके ऐसे लग रहा है पता नहीं गर्मी ने कब जाना है और स्वेटिंग के साथ बुरा हाल हो रहा है। एसी लगाने वाले इस तरह के ना, उस दिन मैंने आपको बताया था कि वो कितना ड्रामा कर रहा था कि ये एसी को ऐसे है, ये एसी को ऐसे है, वहां लेके जाना है, उस हालांकि उस घर में लगा हुआ था। अब उसने इसकी फिटिंग की है ना जब भी एसी की, मुझे उसमें लग रहा है कि उसने ना एक जान के काम किया है। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए उस दौरान एसी बिल्कुल ठीक चल रहा था, मुझे लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी कूलिंग कम हो रही है, एसी वाले ने ना जान के कहीं से थोड़ा सा लीकेज वगैरह छोड़ दे के मुझे दोबारा बुलाया, उस दिन भी ड्रामे कर रहा था। अब आज एसी की जो कूलिंग है ना बिल्कुल खत्म हो गई है। बहरहाल कोई नहीं, उसने तो जो करना था कर ले, लेकिन उसको नहीं आज के बाद काम के लिए लेके आऊंगा, किसी और को ही बुलवाऊंगा, वो ड्रामे कर रहा था उस दिन ही जान के। तो आपको जगह दी है ना, अपना ड्रेसिंग टेबल वहाँ जाके सेट करो, सारा सामान ला के इधर एडजस्ट कर लिया, जैसे जाने लगी है किसी ब्यूटी पार्लर को तैयार होके। ये भी ले जाओ जल्दी जल्दी बाहर अपना सामान। अक्सा अंदर वो जा रही है और वो अक्सा के साथ पुशन जा रही है, इसको भी एक कपड़ा दें, ये भी झाड़े यहाँ पे बेडशीट वगैरह, बेड वगैरह झाड़े। स्टोर रूम का भी टूर करवा दें, इधर क्या रखा हुआ भी पता चले हमें। वाह जी वाह, क्या बात है, डब्बे डुब्बे सब कुछ इधर ही पड़ा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अक्सा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें दीजिए फिर इजाजत, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अपने कपड़े जो है ना उनका भी कोई हल करते हैं, अभी मशीन वगैरह की सेटिंग होने वाली है, आज की मशीन की सेटिंग का प्लान बनते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हमें दीजिए फिर इजाजत, अल्लाह हाफिज़।